इट इज हाईली रिस्पॉन्सिबल ऑन योर पार्ट फ्लाइट लेफ्टिनेंट समीरा सिंह। तुम हॉक्स में शामिल होना चाहते लेकिन तुम तो एयरफोर्स के ही लायक नहीं हो। यू आर ग्राउंडेड फर्दर नोटिस। पुत्र जी, कहाँ खोई हुई है? समीरा की चिंता कर रही हो ना? नहीं, रब से उसके लिए दुआ मांग रही थी। माँ का दिल भी ऐसा ही होता है, पहले वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, सपना देखना सिखाते हैं, और जब वो अपने सपने के पीछे भागते हैं ना, तो वो डरने लगते हैं। बेटा, समीरा बड़ी हो गई है, वैसे मुझे मालूम है मेरी दोनों बेटियां बहुत बहादुर हैं, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। जो बुरा होना है वो तभी हो गया है। उन दिनों तो प्लीज बीजी, बीते दिनों की बात ना करें तो अच्छा होगा, वो दिन बीत चुके हैं ना। ओके बाबा, ओके, बस अब खुश सोचा मैंने पता है पीछे समीरा को लेकर आप भी बहुत परेशान रहती हैं, इसलिए दिन रात टीवी देखती रहती है। और मैंने ये भी पता है कि अपने जिस अतीत के बारे में बात करने से मैंने आपको रोका, जब समीरा को उसके बारे में पता चलेगा तो क्या उसे रोक सकूंगी? हेलो। हेलो समीरा बेटी। नानी आप? मेरा जी कुछ घबरा गया था इसलिए। क्यों, चोरी पकड़ी गई ना? मैं तो तेरे ही बारे में बात कर रही थी। मैंने अपनी बात करनी आती है पीछे। लाओ जल्दी। ओए समीरे पुत्र, कैसी है तू वहाँ? हाँ, सब ठीक तो चल रहा है ना? समीरा पुत्र, जब तूने बोलना भी नहीं सीखा था ना, तब से मैंने तेरे इशारे, तेरी खामोशी, तेरा अनकहा दर्द सब समझ आता है। समीरा क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? देख पुत्र, अगर कोई परेशानी है भी ना तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, तू फिक्र ना कर। पता नहीं क्यों माँ, जैसे ही आपकी आवाज मेरे कानों में पड़ती है मुझे लगता है मैं कामयाब हो जाऊंगी। ये हुई ना मेरी पुत्र वाली बात, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, रब तेरे साथ है। अलविन, ऑल द बेस्ट पुत्र, बाय। तथास्तु बालिके, तुम्हारा सपना तब पूरा होगा जब तुम सम्राट महाराज को कॉफी का सेवन करोगे अपने हाथों से। बोलो पिलाओगी? सेवन बाद में महाराज, पहले जरा आपकी सेवा कर दी जाए। सेवा क्या कर लोगी तुम? You should take a break, huh? Yeah, I should. Yeah. I should. वीर, डैड कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? उनकी कुछ अर्जेंट मीटिंग्स लाइंड अप थी लेकिन कह रहे थे तुमसे मिलके ही जाएंगे। हेलो सर, बैठो वीर, अगर कोई खास बात नहीं हो तो मैं। What's wrong with you, वीर? डैड इतने दिनों बाद घर आए और तुम, कोई जरूरी बात है इसीलिए तो तुमसे बैठने के लिए कह रहे हो? एक्चुअली डैड, वीर की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी हुई है कि इन्हें सिर्फ काम की बातें करने और सुनने की आदत है, ऑर्डर्स लेने और देने की आदत। तो तुम्हारे काम की बात यह है वीर, ऋषिका का ईमेल आया है और उसे बहुत दिनों बाद इंडिया आने का मन कर रहा है। That's good. वीर, मैंने सोचा कि तुम्हें यह बताना जरूरी है कि हमने, यानी मैंने और सुनैना ने, शिखा के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा।
एनीवे, एज डिसाइडेड शिका को किसी क्रिएटिव फील्ड में डालना चाहिए, जैसे कि मेरी। डैड, आपके फील्ड ऑफ क्रिएटिव। अरे बेटा, मिनिस्टर से बड़ा कलाकार इस देश में कौन हो सकता है? यू नो व्हाट, आई थिंक शिका शुड टेक अप टू फैशन डिजाइनिंग, और उसके बाद उसे अपनी कंट्री में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंस्टीट्यूट खुलवा देंगे। अच्छा रहेगा ना भी? I guess you know better. I'll take your leave now. Good night, sir. Good night. लगता है ये फैशन डिजाइनिंग का आइडिया वीर को इंप्रेसिव नहीं लगा। डैड, वीर आपकी बेटी की किसी भी बात से आज तक इंप्रेस नहीं हुए हैं। उनके दिलो दिमाग पर पुरानी यादें आज भी इतनी गहरी हैं कि। तुम्हारा मतलब? हाँ डैड, मैं अनुपमा की बात कर रही हूँ। वो मेरे और वीर के बीच हमेशा से खड़ी रही। सोचा था कि शिखा के जन्म के बाद मेरे और वीर के बीच की दूरी घटेगी, पर नहीं। वीर का दिल तो आज भी बीते हुए उसी युग में जी रहा है। बहुत कोशिश करके देख ली डैड, लेकिन मैं वीर को अनुपमा से अलग नहीं कर पाई। Yes. Speaking. अभिमन्यु अधिकारी को मैसेज भेज दिया है। ओके, हमारा काम खत्म। अब हम सिर्फ इंतजार करेंगे। जो करना होगा अभिमन्यु करेगा। Yes. ए, भेजा फिर गएगा तेरा? तेरे जेलर का नसीब फिर गया। जाके बोल दे उसे, अभिमन्यु अधिकारी उसकी भाषा में उसके उसके साथ बात करने को राजी हो गया। जा। तेरे घुटनों ने मुड़ना सीख लिया और आंखों ने झुकना सीख लिया? नहीं, मेरे दिल ने तुझ पे रहम करना सीख लिया। तू मुझ पर रहम करेगा? तू होता कौन है? मैं वो होता हूं जिसकी जबान तेरे बहुत काम आ सकती है। तू बिना हिकड़ी के बात नहीं कर सकता? कर सकता, मगर तेरे काम की बात कर सकता हूं। अच्छा अच्छा, तू जैसा चाहे वैसा बोल। अकेले में मुझे सुनने वाला सिर्फ तू होना चाहिए। सबके सामने तेरी हिकड़ी बुरी लगती है, अकेले में अच्छी लगती है। नोश फरमाइए। एक कंबर चिकन। वो इतनी मार खाने के बाद मानी या आखिर हिंदुस्तानी? हाँ। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, उसे वक्त तो लगेगा ना। तो डिस्टर्ब मत करना, बड़े मुश्किल से माना है, ठीक है ना? तो मैं जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। तब तक देखना ना कोई अंदर से बाहर आने पाए और ना ही कोई बाहर से अंदर।
हम पानी में रहकर भी मगरमच्छ से दोस्ती नहीं करते। Here we go, coffee. चलो अच्छी बात है, भगवान जो तुम्हें बनाना चाहता था वो वीर सर ने तुम्हें बना दिया। क्या? Private detective. Hey, wait, 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 hang on. I'm just kidding. Relax. Sit down. Come on. Chill. पता नहीं मैं तुमसे बात ही क्यों करती हूँ। हर बार मजा। सम्राट मैं इतनी सीरियस प्रॉब्लम में आ गई हूँ, मुझे कहीं से भी उस आदमी को ढूंढना होगा जो मेरी वजह से भाग गया, और तुम यहाँ। You're right. I'll give you an idea. तुम्हें ना बिल्कुल एक फेमस डिटेक्टिव, आई मीन शर्लॉक होम्स की तरह, सर पे हैट, एक हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास और दूसरे हाथ में पाइप लेकर उसे ढूंढ सकती हो। एंड देन वो खुद ब खुद तुम्हारे चरणों में आके गिरेगा और कहेगा, प्लीज मुझे वीर सर के पास ले चलो। ये आइडिया पसंद नहीं आया मेरे पास। और एक आइडिया है, आई मीन आई वन ब्रिलियंट ब्रिलियंट आइडिया। हम पीए सिस्टम पे अनाउंस करते हैं, मिस्टर मोल, सॉरी मिस्टर मोल, आप जहां भी हैं, जिस हालत में हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट समीरा के पास आकर रिपोर्ट कीजिए, और तुरंत 2 सेकंड के अंदर मिस्टर मोल आके कहेंगे, हेलो आई एम मिस्टर मोल। क्यों? अच्छा आइडिया। हाय समीरा। हाय। मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया था, ये मिस्टर मोल कहां से आ गए? ये समीर सिंह है। समीर सिंह। अच्छा वो समीर सिंह, वो टाइपिंग मिस्टेक वाले, वही है जिसकी वजह से। मेरी वजह से क्या? नेवर माइंड समीर, दिस इज सम्राट। ओह हाय समीर। ये 2-3 अलग अलग बातें एक साथ करते हैं और इन्हें समझने वाले ही इनकी बातों को समझ पाते हैं। ओके। एनीवेज, व्हाट्स योर स्केड्यूल फॉर टुडे? नथिंग मच, एक टेस्ट फ्लाइट है अराउंड, ऑप्स, आई एम रनिंग लेट यार, सो आई विल सी यू गाइस लेटर। जय हिंद। सी यू। ओहो, एक हसीन लड़की के बगल में बैठा हुआ एक लड़का इतनी जल्दी उठकर कैसे जा सकता है? देखो इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए ना लाइफ में, स्पेशली व्हेन यू फॉरगेट योर कीज। मैं उसे देके आता हूँ, आई विल बी बैक। सर, आपका पिज्जा। पिज्जा? तुम अपना पिज्जा खाओ, चाबी मैं देकर आती हूँ। रियली? थैंक यू। ओप्स। Thank you.
कंट्रोल था। हेलो कंट्रोल था, ये टेस्ट फ्लाइट तो एक शेड्यूल थी। सॉर्टी की परमिशन किसने दी और इसे कौन फ्लाई कर रहा है? सर क्या आपने आज के फ्लाइट शेड्यूल में कुछ चेंजेस किए? नहीं तो सर, टाइगर 14 के नाम पे एक ही जहाज शेड्यूल थी। दूसरी जहाज तो ग्राउंड स्टाफ की तरफ से भी क्लियर नहीं थी सर। दूसरी जहाज ही चेंजिंग टाइगर 14 पे है सर। मैं भी आता। सर establish contact with Tiger 14. Yes sir. Tiger 14, Tiger 14. Tiger 14, can you hear me? Sir, Tiger 14 is not responding. ये आखिर हो गया रहा है? तुम Tiger 14 से बराबर कांटेक्ट करने की कोशिश करो और मुझे दूसरे प्लेन से कनेक्ट करो। Yes sir. Delta 12, Delta 12. Delta 12. Sir, Delta 12 से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। Delta 12, can you monitor me? Yes sir. Sir, मैं आपकी आवाज सुन सकती हूँ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट समीरा सिंह, यू आर ग्राउंडेड ऑफिसर। उसके बावजूद भी तुम सॉर्टी पर गई बिना परमिशन के। आई ऑर्डर यू टू लैंड इमीडिएटली। सॉरी सर, पर मैं लैंड नहीं कर सकती। सर, 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 ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट समीर सिंह इज किल्ड। ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट समीरा सिंह की आवाज नहीं आ रही है, प्लीज चेक। और पहली सॉर्टी में वही आदमी है जिसका पीछा मैं उस दिन कर रही थी। आई कैन नॉट हियर यू, आई कैन नॉट हियर यू। सर, मैं उस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने जा रही हूँ। व्हाट इज रॉन्ग विद समीरा? वो समीर सिंह के प्लेन को शूट डाउन करना चाहती है। बेस को अलर्ट कर दो, इससे पहले कि वो समीर का प्लेन गिराए। हम समीरा सिंह के प्लेन को शूट डाउन करने जा रहे हैं।